अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज सुबह का आगाज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। सैटरडे का डे है और जो है मैं सुबह सुबह उठी तो मुझे आगे एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज़ मिला, फ्लावर्स, कॉफ़ी, चॉकलेट्स और कार्ड, क्योंकि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। और ये सरप्राइज़ मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन यह है कि मैं फ़ौरन से पहले जो है वो तैयार हो गई थी, क्योंकि आज वेडिंग एनिवर्सरी भी है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आज रेफरेंडम भी है, और रेफरेंडम के लिए जो है हमें वोट कास्ट करने के लिए जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी से जो है इसके बाद तैयार हो गई थी और हम लोग चले गए थे वोट कास्ट करने। सुबह उठ के हम लोग आ चुकी हैं बच्चों के स्कूल के पास, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया में है रेफरेंडम। और ये रेफरेंडम इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो हैं एबोरिजिनल्स और टोरेंट आइलैंडर्स जो हैं उनकी आवाज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम कराया जा रहा है। और एज अ सिटीज़न कंपलसरी है आपका वोट करना। तो जो है मुझे सुबह उठ के तो वैसे याद नहीं था, लेकिन अचानक से जब मैंने डेट देखी तो मुझे याद आया कि वोट करने जाना है। और यहाँ पे वोटिंग के ऊपर जो है फाइन है, अगर आप सिटीज़न हैं और आपने वोट नहीं किया तो आपके घर में फाइन आ जाता है कि आपने वोट क्यों नहीं किया। आपको रीज़न बतानी पड़ती है, या तो आप आउट ऑफ कंट्री हैं या कुछ है, तो फिर एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन अगर आप सिटीज़न हैं ऑस्ट्रेलिया के और आपने वोट नहीं किया तो आपको इस पे फाइन आ सकता है। इसलिए जो है मैं सबसे पहले सुबह सुबह जो है मैं आ चुकी हूँ अपना वोट जो है वो देने के लिए। तो चलो जी, जैसे ही हम एंटर हुए उन्होंने हमें ये पम्फलेट दे दिया था कि आप हमारे हक में वोट करें। तो बस हम लोग स्कूल में आ चुके हैं। मुझे लगा था कि बिल्कुल भी रश नहीं होगा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा रश था और देखें लाइन कितनी ज़्यादा लंबी है। लेकिन यह है कि फ़ौरन फ़ौरन सब लोग अंदर जा रहे थे तो हमारी बारी भी फ़ौरन से पहले आ गई थी। तो हमने अपना वोट कास्ट किया। यहाँ का वोटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई भी किसी के ऊपर रिगिंग का इल्ज़ाम नहीं लगाता या किसी भी किस्म की धांधली का आपको शुभ नहीं होता। वोट कास्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ चुके हैं और अभी जो है अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद जो है मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है तो उसके लिए भी हम लोग जाएंगे। अच्छा, नाश्ता करने के बाद जो है हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग मॉल, क्योंकि मैं आसिम को देना चाह रही हूँ एक छोटा सा सरप्राइज़ जो मैंने बहुत अरसे से प्लान किया हुआ था। और मैंने उन्हें कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें लेनी है जिसकी वजह से मॉल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं उनको बहाने से जो है ना लेके आई हूँ मॉल। और चल के मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं उनको क्या सरप्राइज़ दे रही हूँ। ये है पैरामेटा मॉल सिडनी में, ये बिजिएस्ट मॉल्स में से एक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉल है। इसमें तमाम मेन जो ब्रांड्स हैं ना उनकी शॉप्स जो हैं वो इस मॉल में बनी हुई हैं। इसके 6 लेवल्स हैं, हमने 6 लेवल पे पार्किंग की थी और अब हम लोग नीचे डाउन स्टेयर्स जा रहे हैं। मैंने ये कहा था कि मुझे बच्चों के लिए ना टैबलेट्स ख़रीदने हैं जिसकी वजह से हम सैमसंग के स्टोर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सैमसंग ने आजकल पॉपअप स्टोर भी बनाया हुआ है, ये सैमसंग का पॉपअप स्टोर है जिसमें लोग जो है पिक्चर्स भी बना रहे हैं और सामने सैमसंग का ओरिजिनल स्टोर भी है। तो हम लोग आ चुके हैं सैमसंग के स्टोर। यहाँ पे आने के बाद मैंने आसिम को दिया सर सरप्राइज़, क्योंकि हम ले रहे हैं आसिम के लिए फ़ोन और मैं उनके लिए ले रही हूँ S23 Ultra। मैंने बहुत सारे फ़ोन जो हैं वहाँ पे टेस्ट किए थे और करने के बाद मुझे ये वाला फ़ोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। और यहाँ पे आपको मैं सैमसंग का स्टोर भी दिखा रही हूँ, जैसे एप्पल का एक स्टोर बना हुआ है यहाँ पे सैमसंग का स्टोर बना हुआ है। मुझे वैसे एप्पल का स्टोर इससे ज़्यादा अच्छा लगा था, पर यह स्टोर भी अच्छा था। कैसी फीलिंग है आपकी? अच्छी है। मैंने वहाँ पे बहुत सारे फ़ोन एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए थे। यहाँ पे वैसे मुझे ये वाला मॉडल भी बहुत पसंद आया था, उसके बाद मैंने फ़ोन को अच्छे तरीके से टेस्ट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं कि आप जो फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया। तो हमने इस टाइम सैमसंग के आउटलेट में और वहाँ पर हम लोगों ने परचेज़ किया S23 Ultra। तो ये वाला मॉडल मेरा फेवरेट जो था वो ये वाला मॉडल था, क्योंकि ये फ़्लिप हो सकता था Z Fold 5 और जो है मुझे ये बहुत पसंद आया था। लेकिन इसके बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि इसके बारे में थोड़ी सी कंप्लेन है कि जो है आप इसे जब फोल्ड करते हैं बार बार तो बाद में ये लाइन बहुत विजिबल हो जाती है। तो इसको फोल्ड करके भी आपको दिखा रही हूँ, आपको इसको सिंगल हैंडेड भी यूज़ कर सकते हैं और ओपन करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मॉडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं ये परचेज़ करना चाहती थी, लेकिन जो है फ़ोन का यूज़ेज देखने के बाद और ये देखने के बाद कि हमने उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है और आसिम जो हैं वो उनका क्या इस्तेमाल है, तो उस हिसाब से वो वाला फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और उनको भी वो बहुत ज़्यादा पसंद था। और
पे ऑफर भी थी कि $500 का ट्रेड इन जो है वो कर रहे थे कि आपको अगर अपना फ़ोन सैमसंग का कोई लेके आते हैं तो $500 का वो ट्रेड इन करके आपको उसका बैलेंस दे देंगे और बाकी अमाउंट जो है वो आप पे कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक सैमसंग का फ़ोन था, हमने उनको वही फ़ोन जो था वो दे दिया था और ट्रेड इन में हमें अच्छी अमाउंट $500 हमें ट्रेड इन से मिल गया था। तो इसकी वजह से जो है ना फ़ोन की कॉस्ट जो थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इनके बैटरी पैक्स देख लिए थे, बाकी चीज़ें पर बाकी स्टोर्स में चीज़ें जो थी ना वो बहुत एक्सपेंसिव थी। तो बस फिर हमने इनसे फ़ोन ही परचेज़ किया था। और उसके बाद जो है एक अच्छी चीज़ ये थी कि आसिम, जैसा कि मैंने बताया कि सरप्राइज़ था, उनको बिल्कुल नहीं पता था, तो जब फ़ोन ट्रेड इन किया तो उसके बाद जब हमने पेमेंट कर दी तो उसके बाद उन्होंने सारा फ़ोन जो है वो उसी टाइम जो है हमें उसके साथ बैकअप करके दे दिया था। तो बस फिर अब ये है जी अनबॉक्सिंग, उधर ही हमने स्टोर में इसकी अनबॉक्सिंग की थी क्योंकि हम मेंटली, आसिम तो मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हम फ़ोन लेने जा रहे हैं या कुछ। तो जब उनको ये सरप्राइज़ मिला तो एक तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और दूसरा जो है ना यहीं पे फिर स्टोर में ही हमने इसकी जो है ना अनबॉक्सिंग की थी क्योंकि हमें दूसरे फ़ोन में से डेटा भी चाहिए था। तो बस फिर ये देखें जी अनबॉक्सिंग हो रही है और इसमें हमने लिया था ब्लैक कलर। वैसे हम बेज कलर लेना चाह रहे थे लेकिन पूरे सिडनी में बेज कलर अवेलेबल नहीं था, हमने बाकी स्टोर्स पे भी पता करा लिया था तो उन्होंने बताया था कि ये स्टोर में अवेलेबल ही नहीं है किसी स्टोर में भी। तो इस वजह से जो है हमें यही कलर लेना पड़ा था और यही कलर पसंद आ रहा था। तो यहाँ पे फ़ोन जो है अनबॉक्सिंग हो चुकी है, ज़बरदस्त किस्म की अनबॉक्सिंग हुई है। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अनबॉक्सिंग करूँ लेकिन क्योंकि ये मेरी तरफ से सरप्राइज़ था इसलिए मैंने आसिम को फ़ोर्स किया था कि आप ही इसकी अनबॉक्सिंग करें ताकि जो है जो फील है ना वो आपको आए। वैसे मेरा जो है उस टाइम दिल बड़ा कर रहा था कि मैं पकड़ के ना फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करूँ, लेकिन मैंने दिल पे कंट्रोल रखा, बहुत साबित कदम रही मैं। तो खैर यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो गई है, इसके बाद फ़ौरन से उन्होंने हमें अपना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करके दे दिया था। वायर टू वायर ट्रांसफ़र होती है, बहुत आसान तरीका है, 30 मिनट्स लगते हैं और हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो गया था फ़ौरन से पहले और जो है हम लोग फ्री हो चुके थे उसके बाद। तो इसके बाद हमने अपना मोबाइल जो है वो पिक कर लिया था और जो सरप्राइज़ है ना उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। How are you feeling? Very good. कितना अच्छा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। नहीं अच्छा है, इस फ़ोन भी अच्छा है और मैं सैमसंग से ही पिक करना चाहता था तो I'm happy. तो इसके बाद हम लोग आ चुके हैं सेफोरा। सेफोरा पे हमने देख लिया था कौन सी डील्स चल रही हैं, क्या कुछ है। तो इसमें हमें स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट्स अच्छी लग गई थी। उसके बाद हमने छोटा सा चक्कर लगाया था मैका मैक्सिमा, क्योंकि सेफोरा पे जाओ और मैका पे ना जाओ तो ये ज़्यादती है। फिर उसके बाद जो है हमने थोड़ी बहुत मॉल को एक्सप्लोर किया था और वो करने के बाद जो है यहाँ पे देखें जी बैंड बाजे वाले भी आए हुए हैं। और उसके बाद हम लोग ज़ारा के पास से जो है होते हुए, मतलब ज़ारा पे हम नहीं गए थे, उसके बाद हम चलेंगे मिनीसो और मिनीसो पे जाओ और कोई चीज़ ना लो ये भी ज़्यादती है। तो हमने सबसे पहले जो है मिनीसो से भी चीज़ें जो हैं वो ले ली थी और बच्चे भी जो है ना वो बहुत चीज़ें जो है पसंद कर रहे थे मिनीसो की, तो हम लेके अब आ चुके हैं अपने घर। घर आके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था और रेस्ट करने के बाद अब शाम के टाइम जो है हम लोग तैयार होके जा रहे हैं डिनर करने। तो अभी है शाम का टाइम और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, जिसकी वजह से आसिम ने सुबह मुझे फ्लावर्स दिए और चॉकलेट्स दी, फिर उसके बाद गिफ्ट्स दिए, मैंने भी अपना गिफ्ट दे दिया है। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। सिडनी की सबसे ज़्यादा फेमस जगह है लाल किला और यहाँ पे पाकिस्तानी फूड में जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो लाल किला है। तो आज हम जा रहे हैं लाल किला, लेकिन हम जा रहे हैं सरे हिल वाली ब्रांच पे। इनकी दो ब्रांचेज हैं तो एक पे सरे हिल वाली ब्रांच पे हम लोग जा रहे हैं। तो मैं जब तैयार होके बैठी ना तो बच्चों ने कहा कि मामा आप जो है इसकी अनबॉक्सिंग कर लें। वैसे अब्दुल समद इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका था एक साइड से, लेकिन उसके बाद उसने मुझे भी मौका फराहम किया कि आप ज़रा इसकी अनबॉक्सिंग कर लें। तो मैंने कहा चलो जी, अनबॉक्सिंग का शर्फ मुझे दे दिया तो अब मैं ज़रा इसे खोलूं क्योंकि ये मेरे लिए गिफ्ट था। तो फिर मैंने इसे खोला, मैं चॉकलेट लवर नहीं हूँ लेकिन ये वाइट चॉकलेट जो इसकी थी ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी और ये काफ़ी फेमस है। तो मैंने जब इसको ट्राई किया तो इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत मज़े की थी ये। तो डिनर पे जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत अपनी पिक्चर्स बना ली जाएँ फ्लावर्स जो मुझे मिले हैं गिफ्ट उनके साथ। तो मैंने इनके साथ बनाई थी पिक्चर्स और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं सिटी की तरफ। और ये ड्राइव भी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, 40-45 मिनट की ये ड्राइव थी। जहाँ पे ये रेस्टोरेंट बना हुआ है तो तकरीबन हम लोग 45 मिनट की ड्राइव करके यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे जो है आने के बाद यहाँ पे हमने अपना पहले रिज़र्वेशन करवाई हुई थी। लाल किला पे रिज़र्वेशन कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलती। सरे हिल वाली ब्रांच पे हम लोग आ चुके हैं, ये है लाल किला। सिडनी का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है
स्पेस जो है इनके पास काफ़ी कम है, बहुत छोटा सा बना हुआ है, लेकिन ये है बहुत ही यहाँ का सब पाकिस्तानी फूड में सबसे बड़ा जो है ना वो रेस्टोरेंट है लाल किला। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, जो हमारी रिजर्वेशन हुई हुई थी तो हमें 5 मिनट के बाद उन्होंने सीटिंग प्लेस अरेंज करके दे दी थी। उसके बाद बारी आ गई जी मेन्यू डिसाइड करने की। यहाँ पे हम लोगों ने अपना मेन्यू डिसाइड कर लिया था, फ़ूड के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे इनके पास, तो हम लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो हमने ट्राई किए हुए हैं, तो हमें पता ही था कि कौन से ऑप्शंस जो है वो अच्छे हैं, तो हमने कोशिश की थी कि हम उन्हीं चीज़ों को मंगवा लें जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं और जो यहाँ की फ़ेमस हैं। तो सबसे पहले हमारी जो है वो ड्रिंक्स आ गई थी। आई डोंट नो इन्होंने ड्रिंक्स सबसे पहले क्यों सर्व कर दी थी। तो सबसे पहले जो है, हालांकि हमने उन्हें ड्रिंक्स ऑर्डर की थी लेकिन उन्होंने हमें सबसे पहले ड्रिंक्स सर्व की थी। बेटी ने ले ली थी मैंगो लस्सी, अब्दुल समद ने ले लिया था जूस, और हम लोगों ने जो है अपनी सिंपल ड्रिंक्स ली थी और सबसे पहले ड्रिंक पीनी स्टार्ट कर दी थी। और मैंगो लस्सी भी मैंने ट्राई कर ली थी, मैंगो लस्सी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बस ठीक थी। उसके बाद हम लोग अपने खाने का वेट कर रहे हैं ऑर्डर देने के बाद। काफ़ी देर से खाना आया था, 40 to 45 मिनट लग गए थे खाना रेडी होने में। यहाँ पे जो है ना, बाकी टेबल्स पे भी रिजर्वेशन हुई हुई थी और लोग आके बैठ रहे थे और खाना जो है वो आता जा रहा था गर्मा गर्म। भूख बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, इधर उधर जब हमने देखा खाना आता जा रहा है तो हमें था कि हमारा भी जल्दी आए। यहाँ पर हमारा खाना आ चुका है, यहाँ पे टिक्का आ चुका है और फ़िश भी आ चुकी है हमारी, और ये जो है हमारा एक प्लेटर है फॉर टू, इसमें जो है चांपे भी हैं, कबाब भी हैं, और इसके अलावा जो है इसमें चिकन की पीसेस भी हैं और टिक्का भी है, मलाई बोटी भी है। तो ये सिंपल सेपरेट टिक्का है, फिर उसके बाद हमारी फ़िश है, फ़िश के बाद हमारा जो तीसरा है ये हमारा जो है मिक्स एक प्लेटर है। बहुत अच्छी इनकी प्रेजेंटेशन है, आपको प्रेजेंटेशन से ही पता लग रहा होगा कि कितनी ख़ास इनकी प्रेजेंटेशन होती है। ये इनकी जो है चांपे हैं, ये भी इन्होंने फ्राई की हुई होती हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो बारबेक्यू हुई हुई हैं। ये बड़े मज़े का प्लेटर था। तो भी हमने जो है अपना खाना खाना स्टार्ट ही किया था, एंट्री स्टार्ट किया था, साथ ही जो है हमारा मेन कोर्स भी आ गया था। ये है इनकी हांडी, इनकी स्पेशलिटी है ये हांडी और इनके रोगनी नान। पूरे सिडनी में ऐसे रोगनी नान कहीं से भी नहीं मिलते, इनके बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो अभी हम लोग जो है अपना एंट्री इंजॉय कर रहे थे कि हमारा मेन कोर्स भी आ गया है साथ ही बनके। तो गर्मा गर्म सारी चीज़ें जो है एकदम रेडी होके आ चुकी थी। फ़िश आपको मैं इनकी दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। और जो है अब हम अपना खाना जो है वो ले रहे हैं खाना, और बड़ा मज़े का इनका खाना था, गर्मा गर्म उसी टाइम ये लोग सर्व करते हैं, और इनका खाना जो है काफ़ी फेमस भी है और बहुत ज़्यादा सबको पसंद है यहाँ पे, ये सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा और खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यानी कि डिनर हमारा बहुत ज़्यादा मज़े का था। और ये करने के बाद डिनर हम लोग अब जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि आज है इंडिया और पाकिस्तान का मैच, उसकी बड़ी धूम है। तो हम लोग जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, और हमें थोड़ा सा हम लेट हो गए थे क्योंकि टॉस हो चुका था और तकरीबन जो है मैच शुरू तकरीबन हो चुका था, तो हम लोग जा रहे थे। लेकिन रास्ते में जो है हमें हमारे फ्रेंड्स का घर आता था, तो हम लोग बजाय कि अपने घर जाते हम उनके घर चले गए थे, और वहाँ जाके हमने जो है फ़र्स्ट इनिंग्स ऑफ मैच जो है ना वहीं पे देखी थी, और मैच के साथ हमने इंजॉय की थी गर्मा गर्म चाय और सेवैयाँ, बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन। और हमारा दिन और बहुत अच्छा गुजरा था, बहुत अच्छा खाना और सब कुछ। सिर्फ एक मैच जो है वो देखने के बाद थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन बाकी सब ठीक है। और आखिर में हमें सरप्राइज़ दिया था छोटे छोटे बच्चों ने, मिन्हा और हना ने हमारे लिए बनाए थे खूबसूरत से कार्ड वेडिंग एनिवर्सरी के हवाले से, और हमें विश की थी वेडिंग एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच। और जो है बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट किस्म के उन्होंने हमारे लिए कार्ड बनाए थे। बच्चों का प्यार होता है जो वो डिपिक्ट करते हैं अपने कार्ड्स में, अपनी चीज़ों में, और उसने जो है अपना प्यार जो है वो शो किया था। तो बड़ी खुशी हुई थी कि उन्होंने भी हमें जो है ना विश की थी, तो बड़ा मज़ा आया था। पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था, और जो है मैं विश करती हूँ कि अगले साल भी मेरा ऐसा ही गुजरे और हमेशा ज़िंदगी ऐसी ही अच्छी गुजरे। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।